दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोगों के सामने देखिए गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी जो रिलेटेड जो वीडियोस है वो हमेशा लेके आते हैं, और आज भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस या यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है उसका असर क्या पड़ा है गोल्ड के मार्केट पर, और किस तरीके से सोने और चांदी की कीमतें जो हैं आसमान छू रही हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से बढ़ता रहेगा तो ये जो सीज़न होता है हम लोगों का, खासकर शादी ब्याह का सीज़न होता है, ज्वेलरी का डिमांड बहुत मार्केट में रहता है, तो इसका असर डायरेक्ट हम लोगों पे पड़ता है और सबके जीवन पे ही पड़ता है। चाहे वो शादी करे या ना करे, मगर किसी को गिफ्ट देना है, किसी को शादी में कुछ करना है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोने की कीमतें में भी काफ़ी और रूस पे लगातार अमेरिका जो है अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगा रहा है, जिससे कच्चे तेल, नेचुरल गैस और सोने की कीमतों में लगातार हम लोग देख रहे हैं बढ़ावा आ रहा है। आज मंगलवार 8 मार्च को गोल्ड और सिल्वर का जो रेट है वो काफ़ी असर पड़ा है मार्केट में। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए पटना का आज हम लोग बताते हैं आपको कि 24 कैरेट जो सोना है वह भी मिल रहा है 52,800 रुपये में प्रति 10 ग्राम। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो 48,200 रुपये प्रति 10 ग्राम, और चांदी जो है सिल्वर 70,000 रुपये किलो पार हो चुका है। तो जो भी दुकानदार हैं उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है, और कारोबारी प्रतिदिन मुंबई और दिल्ली सोने चांदी के भाव को लेकर यह रेट खोलते हैं। इस सीज़न में सोना कारोबारियों का कारोबार अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद और तनातनी पर जो ज्वेलरी मार्केट है उस पर काफ़ी असर पड़ा है, और लोग काफ़ी चिंतित हैं इस बाज़ार को लेके कि इसका बाज़ार क्या होगा या किस तरीके से जाएगा। अगर आप पिछले हफ्ते की बात करें तो MCX में 4.6% की तेज़ी के साथ 52,559 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंचा था, और आज देखिए तो 1.8% बढ़कर 53,500 प्रति ग्राम हो चुका है। यानी कितना मार्केट में लोगों में व्यापार आया है। और 22 कैरेट का सोना ही आभूषण, आप जानते हैं ज्वेलरी जो है वो 22 कैरेट के सोने में ही पड़ता है, इसलिए सोने के व्यापारियों द्वारा मेकिंग चार्ज की भी ऐड कर बेचा जा सकता है। अधिकांश लोग हॉलमार्क के गहने ही खरीदते हैं, इसलिए हॉलमार्क के गहनों की खरीदारी करने के लिए लोग भले ही थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन भविष्य में हॉलमार्क ही काफ़ी आपके लिए सही रहता है। तो जब भी आप ज्वेलरी खरीदें, बुलियन खरीदें, तो यह हॉलमार्क का सिस्टम देख लें और हॉलमार्क के आसपास ही चीज़ों को खरीदें, ताकि आपका बिजनेस अच्छा हो और आप अच्छे से व्यापार कर पाएँ। तो दोस्तों ये था आज के गोल्ड मार्केट का अपडेट जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाया। आगे ऐसे ही रोज़ हम इवनिंग का टाइम में आप लोग देखते हैं 7:30 बजे हमेशा ही हम लोग गोल्ड से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाते हैं, आप देखते रहिए। और अगर आपका कोई गोल्ड में इंटरेस्ट हो बिजनेस करने के लिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और हमसे भी पर्सनली चाहे तो पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जो हम लोग आवरली बेस, मंथली बेस और ईयरली बेस तीनों सिस्टम पर देते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।